गुड मॉर्निंग ऑल माय फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। कुछ लोगों की क्वेरी आई थी कि सर अभी तो सरकारी छुट्टियां चल रही हैं, तो अभी आपको स्कूल नहीं जाना है, पढ़ाना नहीं है बच्चों को, तो कुछ हम लोगों के लिए टाइम दे दीजिए सीटेट में। तो मैंने कहा चलो ठीक है, करते हैं, आपने तो दिया है कई बार, तो मैंने कहा ठीक है। मैं थोड़ी और बता दूं कि मैं एज आ असिस्टेंट गवर्नमेंट टीचर यूपी में हूं, और मैं आज कुछ बताने जा रहा हूं। मैंने सोचा एक वीडियो क्लिप रेडी कर देते हैं, बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर सीटेट 2022, ये मेरा टॉपिक रहेगा, एनालिसिस सम इम्पोर्टेंट पॉइंट। आपको कुछ बिंदुओं पे ध्यान रखना है अटेंशन। जो इस बार एग्जाम है, एग्जाम ऑनलाइन मोड में है, तो अभी एग्जाम सिर्फ 2 ही दिन निकला हुआ है, क्योंकि पूरा जो शेड्यूल है ऑनलाइन का वो 24 दिन चलना है आपका। तो अभी 28 और 29 हो चुका है दिसंबर में, अभी बीच में गैप था। कल से, आज 8 तारीख है, कल से फिर स्टार्ट होने वाला है 9 तारीख से। तो 9 10 11 12 13 उसके बाद 14 15 16 गैप रहेगा, 17 18 19 20 21 गैप रहेगा, 22 रहेगा, 23 24 25 26 गैप रहेगा, 27 28 29 30 उसके बाद 31 गैप रहेगा, और 1 2 3 4 5 6 7। मैं इसलिए आपको ये सब बता दिया हूँ कि आप लोग तैयारी तो कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ जब एग्जाम रहता है तो आप लोगों के मन में ये जिज्ञासा रहती है कि क्वेश्चन का ट्रेंड क्या रहा, क्या पूछ रहा है, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है कुछ टॉपिक। वैसे तो सीटेट पूरा समझ पे आधारित है, किस पे आधारित है, पूरा समझ पे आधारित है, क्योंकि टेट में तो एज इट इज क्वेश्चन आप लोग वही फंस जाएंगे जो नोट्स में रहते हैं। व्हाट सीटेट में ऐसा नहीं होता है, सीटेट दो चाहे यूपीएससी आईएएस का पेपर दो, ये एक ही बात है, तो इस वजह से आप लोगों को समझ पे। तो मैं पूरा डिटेल में कुछ बताने जा रहा हूँ पॉइंट, और आप लोग अंत तक बने रहिएगा, आप लोगों के इससे कम से कम 4 से 10 नंबर गेन हो जाएंगे, क्योंकि जनरल को 90 मतलब पास करना पड़ता है या एवब जाना पड़ता है, 90 या 90 एवब, 90 150 क्वेश्चन में 60% 90, और जो रिजर्व कैटेगरी के हैं उनको 82 क्वेश्चन चाहिए। लेकिन आप लोगों से मैं बोलूँगा कि आप लोग 90 से कम नहीं आना चाहिए, जितना ज़्यादा आ जाए 110 120 135 तक, मैं तो कह रहा 150 में 140 आ जाए, तो इसलिए ये बेस्ट रहेगा कि अगर आपका 90 है और अगर अदर स्टेट में टीचर की वैकेंसी आती है तो आप लोग तभी फिल कर पाएंगे जब आप 90 होंगे। 82 में आप लोग सिर्फ अपने प्रदेश में जो जहां का होगा उसी स्टेट में फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 मैंने बता ही दिया था, जो टाइम ड्यूरेशन है वो 150 मिनट है और 2 घंटा 30 मिनट, तो वहां पे 2 घंटा 30 मिनट नहीं चलेगा कंप्यूटर में, सीधा 150 मिनट चलेगा, और उसमें 150 149 147 140 ऐसे ही कम होता जाएगा। तो आप लोगों को पहला पॉइंट तो यही है कि आप लोगों को जैसे ही 10 क्वेश्चन किए 15 क्वेश्चन किए एक बार नज़र स्क्रीन पे उसमें घाल लेना है, देख लेना है कि टाइम क्या चल रहा है, क्योंकि कुछ बच्चे बाद में पेपर छूट जाता है। तो मैं थोड़ी बता दूं कि 30 क्वेश्चन फर्स्ट नंबर पे साइकोलॉजी रहेगा, तो 30 क्वेश्चन रहेगा उसमें 30 रहेगा, फिर ये मैं सिर्फ सम इम्पोर्टेंट पॉइंट एंड डिटेल में एनालिसिस कर रहा हूँ कि सीटेट के पेपर में आखिर क्या क्या आपको सावधानी बरतनी है, और उसमें उसका ओवरव्यू दे रहा हूँ। और इसके बाद जो मेरे नेक्स्ट वीडियो रहेंगे उसमें साइकोलॉजी पे एक वीडियो रहेगा अच्छे से, मैं जितना हो सकूँगा उसमें डिटेल में पूरा कराने की कोशिश करूँगा, और हिंदी का रहेगा, इन्वायरमेंट का रहेगा, मैथ का रहेगा, और संस्कृत इंग्लिश की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि साइकोलॉजी 30, मैथ 30, हिंदी 30, इंग्लिश संस्कृत 30 और एनवायरमेंट 30। आप अटेंशन प्लीज,
इसमें क्या है कि सभी लोग सबसे पहले जब स्टार्ट करेंगे तो उसमें रोल नंबर एंटर करेंगे। अब कल एक लोग कमेंट किए थे कि उसमें ऑनलाइन मोड में कैसे पासवर्ड में डेट ऑफ बर्थ भरते हैं, तो जैसे किसी की पासवर्ड है 5/1/1996 तो 05 नहीं लिखना है, ओनली 5/01 नहीं लिखना है, 5/1/1996 196 तो जो 96 लास्ट वाले दो डिजिट हैं वो डाल देना है। और कहीं कहीं पे पासवर्ड अपना जो एकेडमिक संस्था रहती है जहां सेंटर रहता है, हाँ ओ चलो ये तो रोल नंबर, थोड़ी एक पॉइंट और मिस हो गया, वो डेट ऑफ बर्थ बता दिया हो। आप लोगों को ये बता दूं मैं कि जो भी उसका क्या नाम एग्जाम है उसमें क्या है कि 8 दिन पहले आप लोगों को ये पता चलेगा कि हमारा सेंटर किस सिटी में है। जैसे किसी का 9 तारीख को पेपर है तो उसका पता चल गया होगा कि तारीख को 9 तारीख को पेपर है तो उसका पता चल गया होगा 1 तारीख को कि हमारा सेंटर किस सिटी में गया है। अब उत्सुकता होती है कि हमारा किस स्कूल में गया है, हम स्टेशन से जाएंगे कहाँ जाएंगे, तो उनके लिए ये है कि 2 दिन पहले आप लोगों का एग्जाम सेंटर क्लियर होगा, तो जिसका 11 तारीख को पेपर है उसको 9 को पता चल जाएगा। तो ये क्वेरी थी, ये मैंने कमेंट का क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। उसके बाद एक डेमो चलता है, जब भी आप लोग पेपर देंगे और रोल नंबर और पासवर्ड डालेंगे तो उसमें डेमो चलेगा। तो डेमो कोई भी ऑनलाइन पेपर होता है, जैसे मैंने भी दिया, रेलवे हुआ, UPPCL हुआ, NTPC ग्रुप डी, कोई भी ऑनलाइन पेपर होता है तो उसमें पहले डेमो चलाते हैं। अब उसमें 10 क्वेश्चन रहते हैं, 15 क्वेश्चन रहते हैं कि 6 क्वेश्चन रहते हैं, 5 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है, वो अपने पे डिपेंड करता है आयु पे। वो क्वेश्चन आप लोग घबराइए ना, उसमें 15 मिनट का समय रहता है, कहीं कहीं पे 10 मिनट का समय रहता है, तो रिव्यू तौर के पे, तो वो आप लोगों को अच्छे से मतलब पढ़ के समझ पे आधारित कि हाँ हमारा ऐसी क्वेश्चन रहेगा और कर देना है। हाँ एक बात और है, अब आपका पेपर खुल गया है तो एक क्वेरी आई थी कि सर स्क्रॉल बार का कैसे पता चले, तो स्क्रॉल बार के बारे में मैं बताने जा रहा, रुको पहले मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे ही आपके वो खुल जाएगी आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा, जैसे ही स्टार्ट नाउ क्लिक होगा तो उसमें क्या है कि जैसे ही आप क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे, सेव एज पे क्लिक करते जाएंगे तो आपका जो ग्रीन है वो रेड होता जाएगा, तो आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि ये हमने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया है। आप एक क्वेरी आई थी कि स्क्रॉल बार सर जैसे सीटेट में तो गद्दांश पद्दांश रहते हैं, क्वेश्चन बहुत बड़ा रहता है, कुछ क्वेश्चन दिखता नहीं है, तो क्या करें, कुछ लोग ऑनलाइन प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो पता क्वेरी, तो उसमें क्या है कि जो साइड में रहती है जहाँ पे क्वेश्चन पूरे लिखे रहते हैं उसके में स्क्रॉल बार रहता है, तो एक यहाँ पे हॉरिजेंटल वर्टिकल हॉरिजेंटल, ठीक है, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दो प्रकार के रहते हैं। उसमें क्या है कि अगर आपको नीचे करना है तो ऊपर से साइड से खिसका लेना है, और अगर आपका ये क्वेश्चन कट रहा है तो आपको नीचे से माउस को लेफ्ट बटन पे प्रेस करे रहना है, उसी से खिसका के कर लेना है। हाँ एक क्वेश्चन और है कि जब भी एग्जाम स्टार्ट हो आप लोग रोल नंबर डालने के बाद पासवर्ड डालने के बाद माउस को अंदर खिसका देंगे, माउस नहीं छुएंगे, क्योंकि अगर बीच में आपका सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है या कुछ आप करते हैं तो उसमें टाइम जाया होता है और फिर से वो करना पड़ता है, ठीक है, ये तो ही काम की बात। उसके बाद क्वेश्चन में नोट को जरूर ध्यान देना है कि जैसे कोई क्वेश्चन है और अगर उसमें नहीं लिखा है, क्योंकि ये सीटेट की क्वालिटी है कि वो नहीं लिख देता है, वो बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि कौन सा नहीं है। अब उसमें 3 तो सही है, आप लोग तो सोचते हैं यार उसमें तो सब सही है, ये वाला नहीं, तो जो नहीं है वो वाले पे क्लिक ध्यान, पहले क्वेश्चन पढ़ लेना है। उसके बाद ये हो गया, और आप लोग क्वेश्चन देख के घबराएंगे नहीं, क्वेश्चन को अच्छे से पहले पढ़ेंगे, रीड करेंगे एक बार, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर आंसर पढ़ेंगे। अगर एक बार में समझ नहीं आता है तो आप आंसर भी पढ़ लिए उसके बाद अगर क्वेश्चन करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा,
और पैराग्राफ को पहले एक बार सरसरी नजर से पढ़ लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे। और एक चीज और है, क्वेश्चन जब वो पैराग्राफ जो रहता है उसमें रहेगा कि 41 से लेके 45 तक इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यही समझ लो कि इसी पैराग्राफ के अकॉर्डिंग हम लोगों को क्वेश्चन देना है, उसमें हम लोगों को अपने से एफर्ट नहीं लगाना है कि नहीं नहीं आयुक्त तो ये पूछ रहा है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है, नहीं नहीं ये गलत है, हम जानते हैं वो सही है। क्योंकि जो अवतरण दिया होता है गद्यांश पद्यांश उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है, आपको अपना जाना दिमाग नहीं लगाना है। और शीर्षक की जो पूछा जाता है उपयुक्त शीर्षक, तो पर्यावरण पे हुआ तो आप लोग समझ जाइए कि पर्यावरण के बारे में बताया गया, तो उसमें आपको पता चल जाएगा, ढूंढ लेना, क्योंकि कई बार आप लोग दिए हैं तो रिदम में आ जाता है। हाँ एक खास और बात है कि बच्चों को केंद्र मानकर क्वेश्चन सॉल्व करना है। हाँ भैया बच्चे को भगवान का रूप मानना है कि हम लोगों की सीटेट निकल जाए, बच्चे को भगवान मानना है, बच्चे को मारना पीटना नहीं है, आक्रोश में आके दंड दे के बच्चों को मारना नहीं है, दंड देना नहीं है। और बच्चों की ना तो बुराइयां नहीं, मतलब अनुशासन में रह के ही पेपर देना है। तो ये सब जनरल चीज हो गई हैं और मेरी समझ से मैंने आप सबको। हाँ एक चीज और है कि क्या होता है कि बच्चे क्या करते हैं कि कुछ लोग माइनस मार्किंग तो है नहीं इसमें, तो इसमें क्या है कि बच्चे कहते हैं अरे यार मैंने तो 110 ही कर पाया, मैंने तो 90 ही कर पाया। ये बहुत गलत बात है। आप सारे लोगों से मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप लोग 150 क्वेश्चन ही पूरा टिक करके आए, क्योंकि जब आपका 150 क्वेश्चन रहेगा तो उसमें आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन गेन होगा। अब अगर आपने 90 किया तो कैसे पॉसिबल है, इसलिए सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है और टाइम का विशेष ध्यान रखते हुए सभी लोग अपना क्वेश्चन कर लेंगे। और लास्ट में जब वो अपने आप ले लेगा अगर टाइम हो जाएगा, नहीं तो जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो उसमें दिखा देता है कितने क्वेश्चन आपने किसमें किए हैं, तो वो आप अपनी थोड़ी से नोट कर लेंगे। हाँ एक चीज और है कि उसमें मैथ के लिए एक पेपर मिलता है सॉल्व करने के लिए, नहीं मिलेगा तो ले लेना, तो उसमें अपना आप मैथ करते रहना। अब आप मैं आपको, क्योंकि इसमें टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा हो रहा है, लंबा हो रहा है वीडियो, क्योंकि इसमें 15 मिनट से ऊपर वीडियो अपलोड नहीं होता है, इसलिए 1000 सब्सक्राइब करिए आप अभी, इसलिए मैं ज़्यादा कंपटीशन का नहीं पढ़ा रहा हूँ इस पर, अपने गवर्नमेंट स्कूल से रिलेटेड जो भी बच्चों के रहते हैं वो डालते रहते हैं। आप लोग थोड़ी लाइक सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, मनोबल बढ़ाइए। इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक। और हाँ इसके बाद मैं तुरंत ही साइकोलॉजी पे, मनोविज्ञान और हिंदी, पर्यावरण और गणित, पांचों सब्जेक्ट की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अलग अलग क्लिप आपको रेडी करके दे दूँ। जय हिंद जय भारत। आपका प्रदीप सर, बेस्ट ऑफ लक।